999 cc, 1198 cc, 1498 cc, 1490 cc, 1.2 liter, 1 liter, 1.5 liter, 2 liter, ये सब है क्या? क्या ये डिनोट करते हैं? इनका मतलब क्या होता है? इनके बढ़ने से क्या होता है? इनके कम होने से क्या होता है? और क्या फर्क पड़ता है इससे इंजन की परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी में? ये सवाल आपने लगातार हमें भेजे हैं ICN Explains के लगभग हर एक वीडियो के नीचे कमेंट्स में, जब भी हमने देखा है तो बहुत सारे सवाल इंजन कैपेसिटी और इंजन डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। तो मुझे लगा क्यों ना इन सभी कंफ्यूजन को आज मैं आपके दूर कर दूं। कमागणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग ICN स्टूडियो एंड टाइम टू रफा दफा ऑल योर कंफ्यूजन रिलेटेड टू इंजन डिस्प्लेसमेंट एंड कैपेसिटी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये सीसी या लीटर, या फिर टेक्निकल भाषा में अगर बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये जो आप हमेशा स्पेसिफिकेशन शीट देखते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट लिखा होता है, फिर उसके आगे लिखा होता है कि कितने सीसी का इंजन है, बेसिकली वो लिखा होता है। तो वो समझ लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आम भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, एकदम सिंपल भाषा में बताऊं, तो एक इंजन जो है उसमें जितने भी सिलेंडर्स हैं, आपने देखा होगा 3 सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, 6 है 8 है 10 है, जितने भी सिलेंडर्स हैं उन सभी सिलेंडर्स का टोटल वॉल्यूम कितना है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब ये वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे समझाने के लिए मैं हमेशा की तरह अपनी ये परफ्यूम की बॉटल का इस्तेमाल करने वाला हूं, क्योंकि सिलेंडर का शेप लगभग ऐसा ही होता है और लॉकडाउन में यही एक चीज है जिसके थ्रू मैं आपको ये समझा सकता हूं। तो जो मैंने ऊपर टेप लगाई है इसे आप बोल सकते हो एक सिलेंडर का टॉप डेड सेंटर, और ये जो नीचे मैंने टेप लगाई है आप इसे बोल सकते हो एक सिलेंडर का बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। तो जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, जिससे कि आपका एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसे आप कंप्रेस कर पाओ, गर्म कर पाओ और फिर उसके बाद में उसमें आग लगा पाओ, जिससे कि इंजन के लिए पावर जनरेट हो सके और वही व्हील्स में ट्रांसफर हो सके। तो वो प्रक्रिया तभी हो सकती है जब आपका पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है। TDC से BDC आपका पिस्टन ट्रैवल कर रहा है, इसे आप स्ट्रोक बोलते हो। और अगर आप सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक की जो इसमें दूरी है, ठीक है, उसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली आप डायमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो डायमीटर है वो एक सिलेंडर का बोर कहा जाता है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है इसे आप बोर बोल सकते हो, और BDC से TDC ये जो दूरी है इसे आप बोल सकते हो स्ट्रोक लेंथ। इसीलिए आपने जब स्पेसिफिकेशन शीट देखी होगी तो उसमें बोर स्ट्रोक रेशियो दिया होता है। तो इसका ये कितने सेंटीमीटर का है और ये कितने सेंटीमीटर का है, अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो बोर स्ट्रोक रेशियो आपका निकल के आ जाता है। अब अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहें एक इंजन के, एक सिलेंडर का वॉल्यूम अगर आप निकालना चाहें, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है πr²h। πr² क्या है? πr² है उस सिलेंडर का सर्कुलर एरिया। उस सर्कुलर एरिया को πr² से डिनोट किया जा सकता है। और जो H है बेसिकली वो है स्ट्रोक, जो है स्ट्रोक हाइट जो है उसे डिनोट करता है। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम मान लें कि जो स्ट्रोक हाइट है वो लगभग 9 सेंटीमीटर का है और उसका जो बोर है बेसिकली वो है लगभग 10 सेंटीमीटर का। रेडियस अगर आपको निकालना हो तो आप उसे आधा कर दीजिए बोर को तो वो निकल जाएगा, मतलब डायमीटर को आपने आधा कर दिया तो वो निकल जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर उसका निकल गया रेडियस। तो अगर आप इसे फॉर्मूला में बिठाना चाहें πr²h, तो पाई का तो आपको पता ही है 22/7 होता है, दैट मीन्स 3.14 के आसपास होता है। तो 3.14 इंटू रेडियस हमारा निकल गया 10 का आधा 5, तो 5² हो गया, मतलब 25 हो गया वो, और इंटू हाइट मतलब स्ट्रोक हाइट कितनी हुई, वो हमने अभी हाइपोथेटिकली माना है कि वो 9 सेंटीमीटर है। अगर आप इसे टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपका एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकलेगा वो निकलेगा लगभग 706.5 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 706.5 cc आप उसे बोल सकते हो। अब जो एक सिलेंडर का वॉल्यूम आपका निकला है, और अगर आपका इंजन मान लीजिए 3 सिलेंडर का है, मान के चलते हैं 3 सिलेंडर का इंजन है, तो अगर आप इंटू 3 कर लेंगे तो टोटल इंजन का जो डिस्प्लेसमेंट है या टोटल जो वॉल्यूम है वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो
अभी हमने निकाला 706.5 सीसी एक सिलेंडर का वॉल्यूम इनटू आप थ्री कर दीजिए तो आपका टोटल इंजन जो थ्री सिलेंडर का इंजन है उसका डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा लगभग 2120 सीसी के आसपास आ जाएगा। अब आपने जितने भी ब्रोशर्स देखे हैं या स्पेसिफिकेशन शीट देखी होगी तो आपने देखा होगा कई जगह सिर्फ लीटर ही मेंशन होता है कि इतने लीटर का इंजन है। तो आपको लीटर में अगर इसे कन्वर्ट करना हो तो आप सिंपली जितने भी सीसी है उसे 1000 से डिवाइड कर लीजिए तो आपका लीटर निकल के आ जाएगा। अब 1000 से ही क्यों आपको डिवाइड करना है, वो इसलिए क्योंकि 1000 सीसी इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो यहां पे अपना 2120 सीसी अगर है डिवाइडेड बाय अगर आप 1000 करेंगे तो लगभग 2.1 लीटर का आपका इंजन कैपेसिटी निकल कर आ जाएगी। तो ये तो हो गया आपका बेसिक क्लियर कि कैसे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होता है। अब कुछ कंफ्यूजन जो आप लोगों के हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहला कंफ्यूजन है वो जो आपने बहुत ज्यादा बार पूछा है इंजन कैपेसिटी या डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड वो यही है कि क्या ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट मतलब ज़्यादा बड़ा डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा सीसी होने का मतलब ये है कि इंजन ज़्यादा पावरफुल होगा। अगर आप ट्रेडिशनली जाएंगे तो ट्रेडिशनली एक्चुअली ऐसा ही होता आया है कि जितना ज़्यादा बड़ा डिस्प्लेसमेंट जितने ज़्यादा सीसी उतना ज़्यादा आप एयर और फ्यूल के मिक्सचर को बर्न कर पाएंगे उतनी ज़्यादा आप पावर निकाल पाएंगे। इसलिए जितने ज़्यादा सिलेंडर होंगे उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा और उतनी ज़्यादा पावर होगी। पर आज की तारीख में अगर आप बात करें आज के दौर की अगर आप बात करें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है कि एयर और फ्यूल के मिक्सचर को ज़्यादा हम बर्न कर पाएँ जिससे कि ज़्यादा पावर निकल पाए तो वो चीज़ मॉडर्न इंजन्स आज टर्बोचार्जर टेक्निक से पूरी कर लेते हैं। आपने टर्बोचार्जर लगाया है, टर्बोचार्जर का क्या काम होता है, बेसिकली आपके एग्जॉस्ट गैसेस से जो गैस निकल रही है उसको एज एन एनर्जी वो यूज़ करता है और अपनी टर्बाइन घुमाता है और कंप्रेसर से एयर कंप्रेसर की मदद से जो नेचुरल एयर है उसे ज़्यादा वो सक करता है मतलब ज़्यादा एयर वो सिलेंडर्स में डालने का काम करता है जो कि आप ज़्यादा बड़े डिस्प्लेसमेंट से पहले करते थे। तो अगर टर्बो चार्जर ज़्यादा एयर लेकर आ रहा है तो इसका मतलब आप ज़्यादा एफिशिएंटली ज़्यादा फ्यूल को बर्न कर पाएंगे, इसका मतलब आप कम कैपेसिटी से भी ज़्यादा पावर निकाल पाएंगे। बाकी फिर उस पर भी डिपेंड करता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक इंजन के पीछे किस तरीके का मटेरियल यूज़ किया हुआ है, क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है, तो उन सब से ही फ़र्क पड़ता है एक इंजन की कैपेसिटी का, एक इंजन की पावर का। फॉर एग्जाम्पल फोर्ड का अगर आप 1.2 लीटर इंजन लोगे तो वो जो बाकी 1.2 लीटर इंजन है नेचुरली एस्पिरेटेड जो कि इनफैक्ट फोर सिलेंडर भी हैं उनसे ज़्यादा पावर निकाल रहा है। तो अगेन मैंने कहा कि वो डिपेंड करता है कंपनी किन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फोर्ड का इंजन चाहे थ्री सिलेंडर हो पर उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है जो सीसी है क्यूबिक कैपेसिटी है वो लगभग 1200 सीसी के इंजन के आसपास ही है। तो कहने का मतलब 1.2 लीटर ही रखा है उन्होंने इंजन की कैपेसिटी को, बस सिलेंडर को कम कर दिया है। अब उस सिलेंडर के कम होने के कुछ नुकसान भी हैं कि वाइब्रेशन थोड़े बहुत बढ़ेंगे, हालांकि वेल कंट्रोल्ड है फोर्ड के इंजन में, बट फिर भी अगर आप एक 1.2 लीटर सुजुकी के इंजन से कंपेयर करें या ह्यूंडई के 1.2 लीटर इंजन से कंपेयर करें तो वो कम डिफाइंड आपको हमेशा लगेगा। दूसरा आपका एक सवाल आता है बहुत बार कि क्या बड़ा इंजन होने का मतलब ये है कि वो फ्यूल एफिशिएंसी हमेशा ख़राब ही देगा। देखिए वैसे तो कुछ प्रूवन नहीं है ऐसा क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उन्होंने सोच को उस इंजन को बनाया है, क्या सोचकर उन्होंने उसको ट्यून किया गया है, किस तरीके की टेक्निक्स को इस्तेमाल किया है, उन सब पे डिपेंड करता है फ्यूल एफिशिएंसी का। फॉर एग्जांपल सुजुकी का 1.5 लीटर का जो इंजन है जो सियाज में आता है, विटारा ब्रेजा में भी आता है और एक्सएल सिक्स में भी आता है, वो नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर इंजन है, बिना टर्बो चार्जर के वो ठीक ठाक पावर निकाल देता है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको ऑफर कर देता है और फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको ठीक ठाक ऑफर कर देता है। वो चाहे तो उस इंजन से बहुत ज्यादा पावर निकाल सकते हैं बट उन्होंने पावर को डिसेंट रखा है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, जिससे कि ना तो पावर में बहुत ज्यादा लॉस हो और ना फ्यूल एफिशिएंसी में लॉस हो। और भी कई चीज़ों का फर्क पड़ता है फ्यूल एफिशिएंसी पे, जैसे कि मान लीजिए आपका जो ओवरऑल व्हीकल है उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो अगर वेट ज़्यादा है गाड़ी का तो उससे फ्यूल एफिशिएंसी निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहीं पे अगर आपका थोड़ा सा लाइट वेट है, कर्ब वेट अगर आपने कंट्रोल किया हुआ है अलग अलग टेक्निक से, तो आप फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी पे डिपेंड करता है बट मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो छोटा इंजन जो होगा हमेशा ज़्यादा ऑफकोर्स फ्यूल एफिशिएंसी निकालेगा ही निकालेगा। अब आप उसी गाड़ी में एक बड़ा इंजन लगा दोगे तो ऑफ कोर्स फ्यूल एफिशिएंसी वो कैसे ज़्यादा निकाल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो पावर ज़्यादा देगा, तो पावर ज़्यादा देगा तो वहाँ पे एफिशिएंसी का नुकसान होगा। तो ये दोनों चीज़ें एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट काम करती है, जितनी ज़्यादा पावर उतनी कम फ्यूल एफिशिएंसी, और ठीक ठाक पावर तो ठीक ठाक फ्यूल एफिशिएंसी, अगर बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी तो पावर कम। तो ये कंपनी की सोच पे ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं एक इंजन के साथ में। इसलिए
बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन आपको इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मिलेंगे. आप देखोगे फॉक्सवैगन का इंजन 1 लीटर का एक 1.5 लीटर इंजन से भी ज़्यादा पावर निकाल देता है, बट फ्यूल एफिशिएंसी उसकी एक मारुति के जो 1200 सीसी इंजन है नॉन टर्बो चार्जर उससे कम है. तो सब कुछ ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है, सब कुछ सोच पे डिपेंड करता है और टेक्निक्स पे डिपेंड करता है कि आपने क्या कितना बेहतर क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया है, क्या वेल्व टाइमिंग है, कितना एयर और फ्यूल का मिक्सचर जा रहा है. ओवरऑल इन सब चीज़ों का असर आपकी लास्ट फ्यूल एफिशिएंसी पे या पावर पे पड़ता है. तो आई होप मैं जो डिस्प्लेसमेंट या सीसी से रिलेटेड जितने भी आपके मोटे मोटे जो कन्फ्यूजन थे उन्हें मैं दूर कर पाया हूँ. अभी भी कई सारे सवाल आई एम श्योर आपके रह गए होंगे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको आईसीएन एक्सप्लेन्स के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में पक्का शेयर करें. इन सब वीडियोस से उनकी भी जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं. थैंक यू सो मच पीपल वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.